कोई धुआं दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर, धुआं दिख रहा है अब इसको ट्रांसलेशन सर। के तौर पर मत स्टूडेंट लीजिएगा दोस्तों, ये सेंटेंस ऐसे ही होते हैं, इज देयर एनी स्मोक, क्या कोई धुआं दिख रहा है तुम्हें? लाइक दिस आस्क द सेम क्वेश्चन। मान्या दीदी, इज देयर एनी स्मोक? यस सौम्या, देयर इज स्मोक। क्या धुआं दिख रहा है? हाँ, धुआं दिख रहा है। जुई दी, इज देयर एनी स्मोक? यस, देयर इज स्मोक। क्या कोई धुआं दिख रहा है? हाँ, धुआं दिख रहा है। पूनम, इज देयर एनी स्मोक? यस, देयर इज स्मोक। क्या धुआं दिख रहा है? हाँ, यहाँ धुआं दिख रहा है। सर, इज देयर एनी स्मोक? नो, देयर इज नो स्मोक, यू आर कंफ्यूज्ड। सर, इट्स विंटर सो इट्स स्मोक अप फॉग। It must be fog. It is not a smoke, it is fog. Soumya, what should be the verb for galti karna? The verb for गलती करना should be make mistake. Finally, what should be the second form of make mistake? The second form of make mistake should be made mistake. Juhidi, what should be the third form of make mistake? The third form of make mistake should be made mistake. चलिए इस प्रश्न को खेल के देखते हैं। सौम्या, व्हाट मिस्टेक हैव यू मेड? सर, आई हैव मेड वन मिस्टेक इन द किचन। आई हैड पुट शुगर इंस्टेड ऑफ सॉल्ट। वेरी नाइस। सौम्या, तुमने कौन सी गलती कर दी? सर, मैंने किचन में गलती कर दी। मैंने नमक की जगह शक्कर डाल दी थी। माने दीदी, व्हाट मिस्टेक हैव यू डन, हैव यू मेड? व्हाट मिस्टेक हैव यू डन? सॉरी सोमया, व्हाट मिस्टेक हैव यू मेड? व्हिच मिस्टेक हैव यू मेड? सॉरी, व्हिच मिस्टेक हैव यू मेड? समय, कम अगेन प्लीज। Which mistake have you made? नो सोमया, सॉरी, कम अगेन। मान्या, यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू डिफरेंट आंसर। सर, एक्चुअली देर वॉज टू क्वेश्चंस ना। हैव यू मेड एनी मिस्टेक? फर्स्टली यू हैव आस्क्ड दैट ना। आई आस्क्ड ओनली वन क्वेश्चन। Which mistake have you made? नो, पूनम, विल यू आस्क? Yes sir. What mistake have you made, sir? Oh, I did not inform him. सर, आपने क्या गलती कर दी है? मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया। अभी ठीक है गाइस, नाउ हु इज रेडी टू आंसर? हु इज रेडी टू आंसर? शुड आई सर? पूनम, व्हाट मिस्टेक हैव यू मेड? सर, आई मेड मिस्टेक। आई गॉट अप लेट टुडे।
तुमने कौन सी गलती की है? एक्चुअली सर मैंने एक गलती की, आज सुबह मैं लेट उठी। ओके, नो प्रॉब्लम, आस्क हु इज रेडी। हु इज रेडी? आई एम रेडी। हु? तानिश, योर वॉइस इज सो लो बच्ची। तानिश ना? यस इट इज तनिष्क। तनिष्क, तनिष्क, व्हाट मिस्टेक्स हैव यू मेड? सॉरी, व्हाट मिस्टेक हैव यू मेड? आई हैव मेड मिस्टेक इन माय कॉपी। आपने क्या मिस्टेक कर दी की है? मैंने अपने कॉपी में मिस्टेक की है। हु इज रेडी? आई एम रेडी। सर व्हाट मिस्टेक हैव यू डन मेड? Actually, uncle, I have stolen 2 rupees from my papa's pocket. Complete the process. सर आपने क्या गलती की है? Actually, uncle, मैंने पापा की जेब में से 2 रुपए चुराए हैं. Who is ready? You know what mistake have you made? Sir, actually, still I am learning English. I did not learn English. That is the big mistake. Yes. Hey, Baba. तुमने कौन सी गलती कर दी भाई? मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी, अभी भी मैं अंग्रेजी ही सीख रही हूँ। Who is ready? I'm ready. No, Soumya, Soumya, Soumya. Soumya? What mistakes have you? Sorry, what mistake have you made? I made mistake when I was in class 11. I selected a wrong subject. सौम्या, आपने कौन सी गलती की है? मैं जब 11th में थी तो मैंने गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। Who is ready? Yes, I am ready. What mistake have you made, Divi? I have made one mistake, Soumya. I forgot the house key in the car. Complete the process, Soumya. आपने क्या गलती कर दी? मैंने एक गलती कर दी सौम्या, कार के अंदर घर की चाबी भूल गई। Who is ready? Soumya is ready again, I think. Achha, no, she was closing the window. Okay, Jihiji, I'm ready. Sir, Poonam, you Poonam, are Poonam. Poonam. Poonam, okay. Poonam, what mistake have you made? Actually, you know, I have get married. That is the big mistake. Sorry. यार आज ही एनिवर्सरी है और आज ही यही बात बोल रही है यार, दिस इज नॉट फेयर। जस्ट मेकिंग सेंटेंस एनिवर्सरी इजंट अ रियलिटी ना। इट्स योर एनिवर्सरी टुडे। यस, टुडे इज माय एनिवर्सरी। पूनम, तुमने क्या गलती कर दी? मैंने शादी कर ली है यार, सबसे बड़ी गलती की है। Okay, who is ready? Who is ready? Soumya? I'm ready.
Okay. What mistake have you made, Soumya? I have poured the glass of water on my uncle's. Soumya, आपने क्या गलती की है? मैंने एक एक ग्लास पानी अपने अंकल के कपड़ों पे डाल दिया, मतलब गिर गया है, कैसे बोलेंगे हिंदी में? By mistake, I have poured the glass of water on my cousin's cloth. It was not actually mistake, by mistake. Sir? Are you ready, Didi? Yes, Soumya, I'm ready. Okay. What mistake have you made? Soumya, I have made mistake that product which I have used on my face. आपने क्या गलती कर दी है? मैंने जो प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज किया वो मैंने गलती कर दी. Who is ready? Okay, I am ready. Dee, what mistake have you made? You know what? Yesterday night I had dinner out. That was the big mistake. And now my stomach is aching. आपने क्या गलती कर दी? पता है, मैंने कल रात को डिनर बाहर खाया और ये बहुत बड़ी गलती की और मेरा पेट दर्द कर रहा है. Okay, who is ready? I am ready. Okay, what mistake have you made? I made mistake that I went out without sweater in freezy weather. ओ, आपने क्या गलती की मान्या? मैंने ना बाहर बिना स्वेटर जाके बहुत बड़ी गलती कर दी इतनी ठंड में. ओ, have you had cold now? Yeah, I have cold now. क्या अब आपको सर्दी हो गई है? हाँ, मुझे अब सर्दी हो गई है. ओके, सो स्टे देयर ओनली, डोंट गो आउट. सो टुमारो यू वोंट कम टू नागपुर. No, definitely I'll stay at home only because I want to come back Nagpur tomorrow. Okay, who is ready? Who is ready? I am ready. Hi. Javedi, what mistake have you made? I have made mistake. I am falling in love, yaar. Someone's love. जी, आपने क्या गलती कर दी? मैंने गलती कर दी यार, किसी के प्यार में फंस गई. गिर गई या फंस गई क्यों भी. जूही जी, इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हैं, हमने दिया नहीं है आपके बैच में, लेकिन ये उसी में अच्छा लगेगा. आई हैव फॉलन इन समवन्स लव. ओके सर, आई हैव फॉलन इन समवन्स लव. सर, सौम्या हैड मेड वन सेंटेंस दैट शी हैज पोर्ड the water on his uncle's clothes. So sir, we can say it ki I have made one mistake by mistake. Maine galti se galti ki hai. Kaise sakte hain Jethalal ki baawri. galti se mistake galti se mistake ho gayi bhai.
Okay. There is one question already on the board. Who will ask? What is mistake? Manaliti, what is mistake? You are in mute, Poonam. What is mistake, Soumya? Mistake is a noun. What is the Hindi meaning of mistake, Manya Didi? The Hindi meaning of mistake is galti. चलिए इसका एक बार नाम के रूप में प्रयोग करके देखते हैं. आई एम आस्किंग टू पूनम. और दोस्तों, अगर जो हम पूछने जा रहे हैं आपके बैच में नहीं लिखवाया हो तो बताइएगा, मैं लिखवा दूंगा. पूनम, व्हाट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक इज दिस? सर, this mistake is like it's a legally crime. यह किस तरह की गलती है? सर, यह कानूनी अपराध है. यह गलती कानूनी अपराध है. दोस्तों, इसमें आपको बहुत सोच समझ के उत्तर देना होगा. थोड़ा सा राइट ब्रेन यूज करना होगा अवेयरनेस के साथ. अभी पूनम से आगे बढ़ते हैं. पूनम, अगर ये लोग सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो फिर हम मदद करेंगे. हु इज रेडी टू आंसर? सर, आई एम रेडी टू आंसर. ओके सर, शुड आई आस्क टू हिम कि और? यस यस यस. Tanishq, what sort of is this mistake? Sorry. What sort of is the mistake? Sorry. अब मैं फिर से पूछना चाहूंगा, क्या इस बैच में मैंने ये WH word लिखवाया है या नहीं? No, sir. तो चलिए पहले हम उसको कर लेते हैं जिससे ऐसी गलती नहीं होगी. मान्या, have you written the first one? Yes, sir, I have written the first one. Should I erase? Yes, sir, you should erase. Yeah, पहली वाली लिख ली है. हाँ सर, मैंने पहली बार लिखी. क्या मैं मिटा दूं? यस सर, आप मिटा दीजिए. अब दो क्वेश्चन अगले से किसी से. ओके, हैव यू रिटन द सेकंड वन? यस, आई हैव रिटन द सेकंड वन. शुड आई इरेज इट? यस, वी शुड इरेज. क्या आपने पूनम दीदी, हैव यू रिटन द थर्ड? पूनम जी, क्या हैव यू रिटन द थर्ड वन? यस सर, आई हैव रिटन द थर्ड वन. शुड आई इरेज दिस? यस, यू शुड. सौम्या, यू शुड इरेज इट. जूही दीदी, हैव यू रिटन द फोर्थ वन? यस, आई हैव रिटन द फोर्थ वन. शुड सर इरेज इट? यस सर, शुड इरेज दैट. Guys, I did not put here any number because I don't know what number is going on in your batch.
उसको मैंने टाइप कुछ सबसे नीचे इसलिए लिखा है कि वो सबसे निम्न स्तरीय माना जाता है। हिंदी मीडियम के द्वारा उसका काफी प्रयोग किया जाता है और अचानक कोई आपसे जब पूछता है अमेरिकन या कोई ऐसा व्हाट सॉर्ट ऑफ, तो एकदम से हमें समझ में नहीं आता, अगर हम नहीं लिख पाते तो इसमें आपको दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता है। अब आप नंबर बता दीजिए, व्हाट इज द लास्ट नंबर सौम्या? किस प्रकार का, किस तरह का? किस तरह के, किस तरह की? हम यहां एक एग्जांपल भी लिख देते हैं। What sort of movies do you like? Google is taking correctly, means Americans use this word very much. आमतौर पर हम हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, किस तरह का, किस, इसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत गंदा लगता है, इट डज नॉट साउंड गुड। तो चलिए हम इसका प्रयोग सीखते हैं, आज जबान पे रखते हैं। हम फिर से वही सवाल कर रहे हैं, पूनम फिर से वही जवाब देंगी। पूनम, व्हाट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक इज दिस? सर, दिस मिस्टेक इज लाइक लीगली क्राइम, लीगल क्राइम। यह किस प्रकार की गलती है? सर, यह गलती कानूनी अपराध की तरह है। Who is ready to answer? तनिष्क ना? Sir, I am ready to answer. तनिष्क, what sort of mistakes is this like? Actually, this mistake is related to politics. यह किस तरह की गलती है तनिष्क? असल में ये गलती पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। हम उसके उत्तर को सुधरवा देते हैं। तनिष्क, हमारे साथ साथ बोलना। एक्चुअली एक्चुअली इट इज अ पॉलिटिकल मिस्टेक, पॉलिटिकल मिस्टेक। हु इज रेडी? तनिष्क, आई एम रेडी। सर, व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक इज दिस? Well, it is a technical mistake, beta. Sir, ये किस प्रकार की गलती है? यह एक तकनीकी गलती है। आपको प्रकार बताना होगा दोस्तों, और उसके लिए आपकी अवेयरनेस जरूरी है। Who is ready? Tanishq, you can give another answer. Poonam, you can give another answer. While Soumya, Juby and Manya are thinking. Sir, I am ready. Can you tell me, Poonam, what kind of mistake is this? Sir, actually, this is behavioral mistake. Very nice. Yeh kis prakar ki galti? सर, यह व्यवहारिक गलती है, वास्तव में यह व्यवहारिक गलती है। गुड, हु इज रेडी?
I am ready. Very good. Okay. Tanish, what kind of mistake is this? Actually, it is an educational mistake. यह किस प्रकार की गलती है? असल में ये एजुकेशनल गलती है। तनिष्क बेटा एक बार मोबाइल के वॉल्यूम को चेक करना, फुल कर लो अगर नहीं हो तो, या फिर तुम बोलते ही बोल ही धीरे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये लोग नए हैं और बड़ी बड़ी दीदी लोग हैं तो तुम्हें हेजिटेशन हो रहा है। हमने तुम्हें ईयरफोन भी दिया फिर भी तुम्हारी आवाज बहुत धीमे आ रही है। I'm ready, Tanishq. You can ask me. Sir, what kind of mistake is this? Well, Tanishq, it is a simple grammatical mistake. Sir, ये किस प्रकार की गलती है? ये सीधी सीधी व्याकरण की गलती है, Tanishq. Who is ready? Sir, I am ready. Poonam, what sort of mistake is this? Actually, this is traffic rules mistake. यह किस प्रकार की गलती है? सर यह यातायात के नियमों की गलती है. Who is ready? I'm ready. What kind of mistake is this, sir? Poonam, you know, it is a software mistake, programming mistake. Sir, ये किसकी गलती है? किस तरह की गलती है? ये प्रोग्राम में हुई एक गलती है, सॉफ्टवेयर की गलती है ये. Who is ready? Sir, I am ready. Okay, Manya, can you tell me what sort of mistake is this? Actually, sir, it is a company mistake. इसको ऐसा नहीं बोलते मान्या, इसको हमारे साथ बोलो. Actually, sir, it is a manufacturing defect. A manufacturing defect. यह किस तरह की गलती है? ये एक manufacturing defect है. Who is ready? Okay, I am ready. Okay, so Samya, what sort of mistake is this? It's a scientific mistake. So should I say like this? Correct. किस तरीके की गलती है? ये एक वैज्ञानिक गलती है. Who is ready? Okay, I am ready. What sort of mistake is this? This mistake is, you know, management's mistake. ये किस तरह की गलती है? सौम्या, पता है ये मैनेजमेंट की गलती है. Who is ready? I am ready. Okay. Right. Anish, what sort of mistake is this? Actually, this is government's mistake. Anish, यह किस तरह की गलती है? असल में ये government की गलती है. ये उत्तर गलत है तनिष्क. किसकी गलती है नहीं पूछा जा रहा है बेटा, गलती का प्रकार बताना है. और इसके लिए तुमने पहले जो दो उत्तर दिए वो बिल्कुल सही थे, तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छा नॉलेज है. नो प्रॉब्लम. You can ask Tanish who is ready.
हु इज रेडी? सौम्या दीदी, व्हाट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक इज दिस? दिस इज अ पनिशेबल मिस्टेक। सौम्या दीदी, किस प्रकार की गलती है? ये एक दंडनीय अपराध है या गलती है? यह एक सजा देने योग्य गलती है। Ready? I am ready. Sir, what kind of mistake is this? You know, Soumya, it is unacceptable mistake. Sir, ये किस तरह की गलती है? यह अक्षम्य गलती है, अक्षम्य गलती है, क्षमा करने योग्य गलती नहीं है ये। सर, जैसे दिस मिस्टेक इज लाइक बहुत अच्छी गलती है तो दिस इज अ स्वीट मिस्टेक। व्हाट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक इज दिस? Sir, this mistake is like, you know, this mistake is sweet mistake. You can do ever. Yes. This is my mistake. I trust you. बेटे तनिष्क, जैसे तुम्हें याद है तुम्हारे पहले बैच में एंजॉय होता अपन एंजॉय करते हैं, सेंटेंस बने ना बने दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट यू शुड एंजॉय। ऐसे डरे हुए से मत बैठे रहो, इसको एंजॉय करो। सर, आई एम रेडी। पूनम विल आस्क, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक इज दिस मान्या? दीदी, एक्चुअली दिस इज अ नोइंगली मिस्टेक। ये किस तरह की गलती है मान्या? ये एक्चुअली जानबूझकर की गई गलती है। यहाँ एक शब्द और आएगा मान्या, इट इज अ नोइंगली डन मिस्टेक। नोइंगली डन मिस्टेक, यू कैन से डेलिब्रेट आल्सो। यस, इट इज अ डेलिब्रेट मिस्टेक। डेलिब्रेट मिस्टेक, ओके सर। It is a knowingly done mistake or deliberate mistake? Yes. Okay, sir. Who is ready? I am ready. Soma, what sort of was this? What sort of this mistake? Sorry. What sort of mistake is this? Yes, no idea. Actually, Didi, this mistake is related to economy. Or, sir, economical mistake, should I say? Economical mistake. Soma, ye kis tarike ki economical mistake? Ye ek इकोनॉमिक गलती है, इकोनॉमी से। सौम्या, पुट योर माउथ पीस नियर। सर, ये सर, नाउ एम आई ऑडिबल? यस, यू आर बेटर ऑडिबल। इकोनॉमी से रिलेटेड मिस्टेक है। ओके, करेक्ट। हु इज रेडी? I'm ready. Sir, what sort of mistake is this? Well, Soumya, it is a human error. Sir, ye kis tarah ki galti hai?
यह एक मानवीय गलती है, यह एक मानवीय गलती है, इट इज अ ह्यूमन एरर, इट कैन हैपन एनी टाइम बिकॉज टू एर इज ह्यूमन, फॉरगिव डिवाइन. चलिए इसमें आपको परेशान बंद करना बंद करते हैं, इसमें आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे इस सेंटेंस में. चलिए हम इसको शुरू करते हैं और ये प्रैक्टिकल भी होगा आपके लिए. व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज डू यू लाइक? हु इज रेडी टू आंसर फर्स्ट? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. सर आई एम रेडी. आई एम रेडी. Manya, what sort of movies do you like? I like comedy movies, sir. एक कट गया, अब ये कोई नहीं रखेगा. मान्या, आपको किस तरह की फिल्में पसंद है? सर मुझे कॉमेडी मूवीज पसंद है. गुड. सौम्या, what sort of movies do you like? I like horror movies. आपको किस तरह की मूवीज पसंद है? मुझे हॉरर मूवीज पसंद है. सौम्या, यू आर स्पोकन आउट ऑफ माय माउथ. सॉरी दीदी. हु इज रेडी? आई एम रेडी. तनिष, व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज डू यू लाइक? आई लाइक कार्टून मूवीज. तुम्हें किस तरह की मूवीज पसंद है? मुझे कार्टून मूवीज पसंद है. Who is ready? I am ready. जूही दीदी, what sort of movies do you like? I like romantic movies. जूही दीदी, आपको किस तरह की मूवी पसंद है? मुझे रोमांटिक मूवीज पसंद है. पूनम, what sort of movies do you like? I like Bollywood movies, जूही. मैं किस तरह की मूवीज पसंद है? मुझे बॉलीवुड मूवीज पसंद है. सर व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज डू यू लाइक? वेल आई लाइक बायोपिक्स. सर आपको किस तरह की मूवीज पसंद है? मुझे जीवनियों पर आधारित फिल्में पसंद है. Actually, I am looking for one page. It was given by one student. There are 26. You carry on. Soumya, what sort of movies do you like? I like thriller movies. Soumya, आपको किस तरह की movies पसंद है? मुझे थ्रिलर मूवीज पसंद है. व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज डू यू लाइक, जूही दीदी? आई लाइक हॉलीवुड मूवीज. सौम्या, आपको किस तरह की मूवीज पसंद है? मुझे हॉलीवुड की मूवीज पसंद है. मान्या, व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज डू यू लाइक? All is done. What should I say? I like fighting movies. मैं किस तरह की movies पसंद है? मुझे fighting movies पसंद है. Fighting movies, दीदी, you can say action movies. Action movies, yeah. I like action movies. Tanish, what sort of movies do you like? I like thriller movies. किस तरह की मूवीज पसंद है? मुझे thriller is repeated. जो thrillers is repeated ना, it was said by Soumya. No, she has said horror. Okay. Set. Okay. Continue your round, Tanishq. Who is ready?
Thriller was I'm actually. ready. Okay, but it will. Poonam Nidhi, what sort of movies do you like? I like historical movies. Poonam Nidhi, आपको किस तरह की movies पसंद हैं? मुझे historical movies पसंद है दानिश. इसको historical बोलते नहीं हैं, इसको जो particular word है हमारे साथ पूनम अनम्यूट में बोलेगी, आप लोग भी हमारे साथ म्यूट में बोलिएगा. पूनम अनम्यूट करके बोलो और बाकी लोग म्यूट में बोलेंगे. आई लाइक पीरियड मूवीज. आई लाइक पीरियड मूवीज जो प्राचीन काल की हैं, उस पीरियड की होती हैं, जो इतिहास पर बनाई जाती हैं. एक्चुअली आई डिड नॉट गेट दैट पर्टिकुलर पेज. 26 प्रकार की फिल्में होती हैं जो उसने नेट से निकाला था, अपन भी निकाल सकते हैं. तो मुझे वो पेज नहीं मिल रहा, नहीं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते. और बहुत सी चीजें हम जानते हैं उसमें से. डिस्कवरी मतलब वो जैसे चैनल आते तो डिस्कवर्ड मूवीज भी बोलेंगे उसको. उसके लिए हम चलो जूही जी हमसे पूछे, हम उसका भी आंसर. सर व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज डू यू लाइक? आई लाइक साइंस फिक्शन. आपको किस तरह की मूवीज पसंद है? मुझे विज्ञान पर आधारित जो फिल्में होती हैं वे पसंद है. दोस्तों आप में से अगर कोई किसी के टीवी में आप अगर हॉट स्टार देखते हैं या अमेजन आपने लिया हुआ है या नेटफ्लिक्स लिया हुआ है, तो आप जो भी पिक्चर लगाने जाएंगे यू विल फाइंड वन वर्ड ओवर देयर. उसमें एक ऑप्शन होता है जेनर. द ऑप्शन नेम इज जेनर. द स्पेलिंग इज रॉन्ग. जी ई आर जेनर. विच जेनर इज दिस? यस जेनर. जी ई एन ई आर जेनर. तो उसमें हम आपको पिक्चर भी भेजेंगे एक दो की. तो उसमें पिक्चर के ऊपर लिखा रहता है कि ये किस प्रकार की मूवी है. एक्शन मूवीज वी नो, रोमांटिक मूवीज, थ्रिलर मूवीज, हॉरर मूवीज, कॉमेडी मूवीज. अभी आपने एक और नया शब्द जाना पीरियड मूवीज, एक और नया शब्द जाना बायोपिक्स. ये शब्द आपका सुना हुआ होगा, बायोपिक्स आजकल बहुत बन रही हैं. थोड़ा सा और देखिएगा, हम इस प्रश्न को फिर कभी एक बार और खेलेंगे, तब तक आप अपडेट हो जाएंगे. सर जो ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड हो उनको क्या बोलेंगे मूवीज? हम वही करने वाले हैं. वो हमें पेज मिला नहीं, मुझे सब तो याद नहीं है, लेकिन तुम भी इसको कर सकते हो. जैसे गूगल में काइंड ऑफ मूवीज टाइप करोगे, एक बड़ी सी लिस्ट मिलेगी. यू विल गेट अ बिग लिस्ट. तो उसको शेयर करना तुम में से कोई भी. एक और उत्तर हम देते हैं, फिर आगे चलते हैं. तनिष्क आस्क मी. सर व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवीज डू यू लाइक? आई लाइक डॉक्यूमेंट्री. सर आपको किस प्रकार की मूवीज पसंद है? मुझे डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है. जो सचिन पे बनी थी ना दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट्री थी.
इसलिए उसमें मजा नहीं आया, और जो उसके पहले धोनी पर बनी थी उसमें उन्होंने काल्पनिकता का पूरा सहारा लिया, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आई। डॉक्यूमेंट्री बहुत बोरिंग होती है, उसमें केवल फैक्ट 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 दिए जाते हैं, तो वो बोरिंग होती है डॉक्यूमेंट्रीज। शायद जूही जी को याद होगा, पहले जब हम फिल्में देखने जाते थे थिएटर में, तो शुरू में एक ना एक सरकारी डॉक्यूमेंट्री चलती रहती थी कि सरकार ने कितने कुएं खुदवाए, हैंडपंप लगवाए, यहाँ वहाँ ये सब। थोड़ा लेट हो जाते थे तो भी पिक्चर मिल जाती थी स्टार्टिंग से। तो ये प्रकार है। चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं इंटरेक्टिव मीडियम पर। जूही जी, Did I give you any interactive sentence in the previous class? Yes, sir. You gave one interactive sentence in previous class. क्या मैंने पिछली किसी क्लास में, प्रीवियस का मतलब कल से पहले, क्लास में कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ, आपने एक पिछली क्लास में एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। पूनम, व्हिच इंटरेक्टिव सेंटेंस डिड आई गिव इन द प्रीवियस क्लास? सो यू गिव आई एम अवेक। पूनम, डिड आई गिव द इडियम विद दिस इंटरेक्टिव? नो सर, यू हैव नॉट गिवन इडियम विद द सेंटेंस। ओके, सो आई एम गिविंग द इडियम विद दिस। You have already used it, you already know. Tanish, should I erase this? Yes sir, you should erase that. Have you written, Tanish? Yes sir, I have written. दोस्तों, ये मुहावरा आपको मिला हुआ है। यू गाइस हैव ऑलरेडी गॉट दिस इडियम, लेकिन अब हम जो करने जाते हैं उससे आपको अंदाज लगेगा कि केवल लिख लेने में और प्रैक्टिकल करने में कितना अंतर होता है। हु विल आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? सर, कैन आई प्लीज? Poonam Didi, which chapter is this sentence related? This sentence is related to present perfect tense. Soumya? Okay. What is the subject in this sentence, Juhi Didi? You is the subject in this sentence. Okay. Soumya, what is helping verb in this sentence? Have is the helping verb in this sentence. Tanishq, what is spoken in this sentence? Spoken is a verb in this sentence. Manya Didi, what is the object in this sentence? बेटा, तुमने आंसर गलत दिया है। सेम क्वेश्चन पूछो मान्य दीदी। व्हाट इज द स्पोकन इन दिस सेंटेंस? स्पोकन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस। तनिष, व्हाट इज आउट ऑफ इन दिस सेंटेंस? मान्य दीदी, आउट ऑफ इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सेम क्वेश्चन बेटा, तुम्हारा आंसर गलत। सौम्य दीदी, व्हाट इज द आउट ऑफ इन दिस सेंटेंस? आउट ऑफ इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। जूही दीदी, व्हाट इज आउट ऑफ इन दिस सेंटेंस?
आउट ऑफ इज कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस व्हाट इज माय इन दिस सेंटेंस पूनम माय इज द प्रोनाउन What is my in this sentence, Manya? My is a reflexive noun in this sentence. What is my in this sentence? My is the possessive adjective in this sentence. What is mouth, Juhi Didi? What is mouth in this sentence? Mouth is object. In this sentence, इससे हमारी व्याकरण मजबूत होती जाएगी और हम तुक्का नहीं मारेंगे भविष्य में कभी भी वी विल नॉट यूज रैंडम शब्द हमें पता होगा कि पूरे सेंटेंस में एक एक शब्द क्या है जैसे हम बचपन में चीजों को केवल रट लेते थे तो उसके परिणाम हम जानते हैं कि रटने से क्या होता है परीक्षा देने के बाद हम सब भूल जाते हैं टेनिस कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस मान्य Yes, sir. The meaning of is this sentence is आपने मेरे मुंह की बात छीन ली चलिए अब हम जो राउंड खेलने जा रहे हैं उससे आपकी प्रैक्टिस होगी सौम्या who has spoken out of your mouth? Sir, you have spoken out of my mouth. नहीं इसमें हमें क्रिएटिविटी करना है दोस्तों ये नहीं बोलना है ये तो आप खूब बोलते हैं Sir, my sister has spoken out of my mouth. Yes, देखिए इसमें सहायक क्रिया बदल रही है जोरी जी देखिए स्क्रीन पे है एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं बहुवचन के साथ हैव का इस पर और विस्तृत चर्चा समय आने पर करेंगे समय किसने आपके मुंह की बात छीन ली सर मेरी बहन ने मेरे मुंह की बात छीन ली माना दीदी who have spoken out of your mouth? Soma, you know, the doctor has spoken out of my mouth. किसने आपके मुंह की बात छीन ली? वो डॉक्टर ने मेरे मुंह की बात छीन ली. Juvidi, who have spoken out of your mouth? Sorry, Manya, एक मिनट रुकिएगा. Manya's question is wrong. Who has spoken out of your mouth? Soumya has spoken out of my mouth. Good. Sir, so should we put the in singular helping verb? अभी actually हम इस पे बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी आपके बैच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज प्रेजेंट सिंपल जिस डिटेल में हम आपको देते हैं उस डिटेल में दिया नहीं है आप उसका प्रयोग करने लगे हैं दैट इज ओके लेकिन मैं वेट कर रहा था बाकी लोगों के आने का लेकिन अब मैं वेट नहीं करूँगा मैं कल उसको उस तरीके से दे दूँगा तो जो सवालों के जवाब आपके सवालों आपके जो सवाल हैं बिल्कुल सही हैं अपनी जगह कल हम आगे बढ़ जाते हैं जो लोग बाद में आएंगे तो वो वीडियो देख के उसको सीखेंगे ये जो सिंगुलर प्लूरल का एक प्रॉब्लम है इश्यू है
वो आपका उचित है, कल हम इसको सीखते हैं। ओके जी दीदी, किसने आपके मुंह की बात छीन ली? सौम्या ने मेरे मुंह की बात छीन ली। पूनम, who has to spoken out of your mouth? सॉरी दीदी। Who have to? Who has spoken out of my mouth? Your mouth. Who has to spoken out of your mouth? Who Who has spoken out of your mouth? Poonam, are you there? Yes, yes, I'm here. That girl has spoken out of my mouth, Juhi Didi. किसने आपके मुंह की बात छीन ली? उस लड़की ने मेरे मुंह की बात छीन ली। Whom should I ask? Ask me. Okay. Sir, who has spoken out of your mouth? These people have spoken out of my mouth. सर, आपके मुंह की बात किसने छीन ली? सर, आपके मुंह की बात किसने छीन ली? इन लोगों ने मेरे मुंह की बात छीनी है। इन लोगों ने। तो दोस्तों, आज हम इसको यहाँ विराम दे देते हैं और आप अपने अगर समय की कहीं कोई समस्या है तो आप Yes, sir is having network issue. Okay, should we conclude the class here? Bye-bye.